दुर्ग निगम की अनदेखी के चलते शहर के जगहों पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पैर पसार रहे हैं, जिसके चलते मिली शिकायत पर निगम के अमले ने बुधवार को कार्रवाई की। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में लगातार दुर्ग नगर निगम की अनदेखी के चलते शहर के मुख्य मार्ग हो या वार्ड के अंदर ही हिस्सों में लगातार सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पैर पसार पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं, जिसके चलते कई बार शहर के मध्य भाग से गुजरती हुई सड़कों में आवागमन बाधित होते देखा जा रहा है। साथ ही शहर की जनता को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी कड़ी में दुर्ग साइंस कॉलेज के सामने, दुर्ग नगर निगम के फिल्टर प्लांट के सामने अनावश्यक अवैध रूप से नई नई गुमटियां सजकर खड़ी नजर आई, जिसे बाकायदा विद्युत पोल से बिजली का भी कनेक्शन लगाया गया है, वो भी बिना मीटर के। सोचने वाली बात यह है कि इस अवैध प्रक्रिया में किस तरह प्रशासन इन्हें वैध प्रमाणित कर अपनी आंखें बंद कर खामोशी अख्तियार करता है। फिर वहीं किसी के द्वारा मिली शिकायत पर निगम अमला कार्रवाई करने पहुंच जाता है, वो भी किसी दंडनीय कार्रवाई के। आप देख सकते हैं कि दुर्ग निगम का अमला अपने पूरे दलबल के साथ निगम की राशि खर्च कर सिर्फ सामान को खाली होता देखता है। वहीं अवैध अतिक्रमणकारी पूरी तत्परता के साथ मिले समय पर सिर्फ अपने दुकान से सामान खाली कर वहीं पर रखता नजर आते हैं। इस संबंध में निगम बाजार विभाग अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जी रोड है और नेशनल हाईवे रोड भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे जो है कई बार मना किया गया, इन लोगों को समझाइश दी गई, हिदायत दिया गया और कई बार आके हमने मना भी किया। हमारी पूरी टीम आई, अतिक्रमण की टीम आई, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे और बेतरतीब तरीके से जो है ये अवैध व्यवसाय करने के लिए जो है यहाँ लाके गुमटियाँ रखी गई है। इसको आज आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है और जितने भी जी रोड पर बैठे हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो भी जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्शन लिया गया, भी हमने देखा है वहाँ पे और कनेक्शन हम अपने इलेक्ट्रिक विभाग को बुला के कटवाया है। इसकी सूचना हम इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनको भी खबर करेंगे कि आप बगैर निगम के किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र की इस तरीके का जो है कनेक्शन मत दीजिए, जिससे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और वो व्यवसाय करने के लिए यहाँ मजबूर हो रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि इस तरीके का व्यवसाय मत करें। उनके लिए अभी चौपाटी वगैरह है, ऐसे कई स्थान हम वेंडिंग जोन के रूप में बदलाव ला रहे हैं और वेंडिंग जोन में इनको व्यवसाय करने के लिए छूट दी गई है। ये आके नगर निगम में अपना पंजीयन कराएं और सही तरीके से और नियमानुसार अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हम किसी का व्यवसाय को बंद करने के उद्देश्य से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये हमारा निर्देश, ऊपर से निर्देश भी है, व्यवसाय सबको करना है परंतु नियमानुसार करना है, जहाँ नगर निगम वेंडिंग जोन के स्थान दे रहा है।